हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ शाम होते ही रोशनी बिखर जाती है और जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आ गए हैं चांदनी चौक और ये जो देख रहे हैं सामने, ये गौरी शंकर का मंदिर है। और फिलहाल रोड की मरम्मत चल रही है, बीच में आप देख सकते हैं हरियाली और साइड में लाल रंग के पत्थरों से सजाया जा रहा है, जो कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। फिलहाल अभी काम चल रहा है। दोस्तों, जैसे ही एंट्री करेंगे आप, तो आपको बैग, बेल्ट और तरह तरह की दुकानें मिल जाएंगी देखने को, और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। फिलहाल ये हरियाली और हरियाली के साथ लोग चहलकदमी करते हुए, और पहले की अपेक्षा भीड़ बढ़ गई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने जाने लग गए हैं, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग कैसे भीड़ कर रखे हैं। दोस्तों, ये है घड़ी की मार्केट, जो घुसते के साथ ही बाईं तरफ है, और यहाँ तरह तरह की घड़ियाँ 20 रुपये से लेकर और 20,000 तक की घड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। और आप देख सकते हैं, छोटी सी मार्केट है लेकिन बहुत तगड़ा व्यापार होता है यहाँ। होलसेल मार्केट है, आप फुटकर भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं बता दूँ आपको, 20 रुपये से स्टार्ट है घड़ी, और उसके अलावा आप जैसी घड़ियाँ लेना चाहें वैसी ले सकते हैं। ज़्यादा मैं अंदर जाऊँगा नहीं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, तो यहीं से बाहर निकलेंगे। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, अगर घड़ियों के शौकीन हैं तो यहाँ से घड़ियाँ ले सकते हैं, सस्ती मिलती हैं। अगर दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं तो आपके लिए सही जगह है। तो दोस्तों, ये अभी रोड का ही काम चल रहा है, बिल्डिंगें तो वही पुरानी हैं, लेकिन फिर भी चांदनी चौक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं, ये लाल रंग के से पत्थरों से बना रोड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो फिलहाल काम चल रहा है, धीरे 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 आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और आप यहाँ आकर शॉपिंग का आनंद उठा सकते हैं, खाने पीने का आनंद उठा सकते हैं। बैक साइड में लाल किला है, लाल किला घूमने का पूरा आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, पुरानी बिल्डिंग है भारतीय स्टेट बैंक की, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है और मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। तो पहले यहाँ साइड में एक होल हुआ करता था, जो फिलहाल अभी बंद है, देखिए कब तक खुलता है कब तक नहीं खुलता। और ये लेफ्ट साइड में कैमरा मार्केट है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं भगरथ पैलेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी मार्केट मानी जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के काफ़ी ज़्यादा जो भी आपको सामान चाहिए लगभग लगभग मिल जाता है, लाइटों से लेके और भी जो भी सामान चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे झालरें जगमगा रही हैं। इसके अलावा LED लाइटें हैं, बहुत सारी लाइटें, इंटीरियर आउटडोर जैसी भी लाइट आपको चाहिए आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही कम रेट में मिल जाती है। तो ज़्यादातर लोग दिवाली आ रही है तो यहीं से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं झालरें लगाते हैं, LED लाइट लगाते हैं, तो यहाँ सस्ती पड़ती हैं तो लोग यहाँ से ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से परचेज करते हैं। फिलहाल मैं ज़्यादा अंदर जाऊँगा नहीं क्योंकि कोरोना का दौर है और भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो अपने आप को सेफ रखते हुए फिलहाल मैं चलता हूँ बाहर। फिलहाल देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप बताऊं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप आएँ तो सावधानी से आएँ, साथ में सैनिटाइज़र रखें और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी चांदनी चौक अपना एक अलग ही मज़ा है, तो जब भी आप आएँ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये है फवारा चौक। फिलहाल यहाँ पर भी काम चल रहा है, तो खुदाई उदाई हुई पड़ी है, तो फिलहाल आप देख सकते हो। और ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे पर भी काम चल। और दोस्तों, बहुत जल्दी ये जगह बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, घूमने फिरने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह आपको मिल जाएगी। यहाँ खाने की पीने की हर चीज़ की व्यवस्था है, तो मतलब कह सकते हैं आने वाले टाइम में चांदनी चौक दुगना मज़ेदार हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, सामने हल्दीराम है और मेरे बैक साइड में पराठे वाली गली है। तो चलते हैं दोस्तों कैमरा मार्केट और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो ये है कैमरा मार्केट, यहाँ आपको तरह तरह के कैमरे मिल जाएंगे। सेकेंड हैंड कैमरे की बात करें तो यहाँ आपको 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में अच्छे खासे कैमरे मिल जाते हैं। इसके अलावा आप नए कैमरे लेना चाहते हैं तो आपको नए कैमरे भी मिल जाएंगे, साथ ही ट्राईपोड वगैरह जो भी एक्सेसरी होती है वो सारी सामान यहाँ
कम रेट में मिल जाएंगे। मुझे एक मेमोरी कार्ड चाहिए था तो मैंने एक 32 GB का मेमोरी कार्ड लिया, जो मेरे को पड़ा है करीब 350 रुपये का। अगर मैं 64 GB का लेता तो मुझे पड़ता 650 रुपये का। तो दोस्तों जैसे आपकी ज़रूरत है आप ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, ठीक ठाक है। तो ज़्यादा ये है पर टाइम मिलता है तो कभी भी आ या फिर पूरी एकदम भरी हुई है, कुछ भी लेना हो आप चांदनी चौक से आ सकते हैं और यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं आगे, और हम आ गए हैं फिर दोबारा गौरी शंकर मंदिर के पास। तो दोस्तों ये मंदिर के बैक साइड में ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, और यहाँ से आप जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो हम वीडियो को यहीं करते हैं अंत, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।